तो एनी टिप्स फॉर रोडीज, लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, ये पीआई तक सिलेक्ट हुए थे, तो कैसे आपके हालचाल। तो वो वक्त आ चुका है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो है रोडीज के ऑडिशन। तो मैं आज वेन्यू पे जा रहा हूँ जो कि दिल्ली में है, सेक्टर 29, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। तो आज का व्लॉग बहुत शानदार होने वाला है, पूरा देखना, क्योंकि पूरे के पूरे व्लॉग में बाकी सिटीज को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑडिशन फॉर्म में क्या पूछेंगे सब बताने वाला हूँ, तो बस बने रहिए मेरे साथ। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं किस टाइम निकला हूं, 6:19 हो गए हैं, मैं यहां से निकलने वाला हूं, तकरीबन 40 मिनट में मैं वेन्यू पहुंच जाऊंगा। तो आपको एक बड़े स्पेशल मेहमान से मिलवाना था, तो दैट इज बागवती। हाय, देखिए कितनी सुंदर है मेरी बागवती, इसको मैंने कैप भी पहनवाई है, देखो अच्छी कैप पहनवाई है, और बड़े अच्छे से प्रिपेयर किया मैंने, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठा, उसके बाद मैंने खाना प्रिपेयर किया अपने लिए, मैं 4:30 उठ गया था, उसके बाद मैंने फ्रूट्स कट किए, नट्स बनाए और प्रोटीन शेक किए, देखो कि मैं सोचा वहाँ पे अनहेल्दी खाना नहीं खाऊंगा, हेल्दी फूड। ओके, तो यार बड़ा मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, अब हम वहाँ पर वेन्यू पे मिलते हैं। ओके बाय, सी यू, टेक केयर। भाई ठंड को पूछो मारोगे क्या, यार बहुत ठंडा है भाई। और मज़े की बात यह है कि सुबह मैं ठंडे पानी से नहाया हूँ, मुझे अच्छा लगता है बॉडी को रफ एंड टफ बनाना। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं वेन्यू, दिस इज किंगडम ऑफ ड्रीम्स। और यार सुबह का टाइम था तो बहुत जल्दी पहुंच गए, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में हम पहुंच गए। सो अब चलते हैं आगे, लाइन में लगते हैं। सो गाइज ये लाइन देख सकते हैं आप, ये देखो इसी तरह मैंने कहा था एनर्जी वेस्ट मत करना, जो हो रही है बहुत जोर से हो रही है। ऑलराइट गाइस, तो 8 हैं और हम लाइन में लग चुके हैं, तो काफ़ी सारे लोग मिले भी मुझे, बहुत अच्छा लगा। सो मैं मिलाता हूँ, मेरे साथ लाइन में कौन है, सो विराट एंड समीर। सो कैसी तैयारी है समीर? ओके, थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं। ओके, और मेरे को बड़े मेरे ब्रदर मिलने आए हैं, तो कहाँ से आए हो आप? लखनऊ। लखनऊ, तो कैसा रहा, वीडियो अच्छी लगती रही मेरी, देखी है आपने? बहुत सारी वीडियो मैंने देखी है आपकी। और सफ़र तो फिलहाल मेरा बहुत ही ख़राब रहा है। क्यों? सीट नहीं मिली। ओहो, सीट नहीं मिली, अब पर उम्मीद करते हैं रोडीज़ में आपको ज़रूर सीट मिले। और आई गाइस, सो इट्स 8 PM राइट नाउ, 8 AM सॉरी, और लाइन बहुत लंबी है, चलती जा रही है। सो जहाँ तक मुझे लगता है एटलीस्ट 4 या 5 तक हमारी लाइन आएगी। YouTube चैनल, हाय हाय, नाम का आपका वीडियो देखा मैंने, राघव themovingship, आपके 2-3 दिन पहले आता है। मैंने आपको वीडियो देखी, यहाँ आया ना, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, सही लगा मेरी वीडियो देख। आपने एक्सप्लेन किया था टाइमिंग के शेड्यूल के हिसाब से, सबसे परफेक्ट टाइम है ये, मैं 4:00-2:00 आके बेकार बैठना यहाँ पे। सुन लो, मैंने भी 5 ऑडिशन दे चुका रोडीज का, लेकिन जो तुमने बताया ना वो बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस है। जो GD मूक होती है उसमें थोड़ी आगे देखते हैं क्या होता है। चलो यार, बेस्ट ऑफ लक गाइस, आई होप आपको भी हेल्प मिले आगे वीडियो देख के। सो आगे मिलते हैं, बाय। शशिकांत, हेलो एवरीवन। तो कितने बजे गया पहले ये बताओ? भाई मैं 12 का यहाँ पे आया हूँ, यहाँ मैं लाइन पे लग गया था, रात को आके लगा हूँ, अभी तक सोया नहीं हूँ, शकल मेरी देख लो कैसी हो रही है, अभी नहाया नहीं, कुछ भी मुँह कुछ नहीं धोया है, अभी तक पता नहीं कितनी देर में नंबर आएगा। सो इतना एक्साइटेड हूँ मैं रोडी ज्वाइन करने के लिए बहुत ही, इसलिए मैं आज इतना ड्रीम्स लेके आया हूँ यहाँ पे, मैं सक्सेस होना चाहता हूँ इसलिए। तो यार इतना लोग इतने रात से आए हुए, आप कितने बजे आए हो? 12 के रात के, गाइस रात के 12 आ रहा हूं, सो रहा था, एंड अभी 11 बजने वाले हैं, तो आप सोच सकते हो कि इतनी जल्दी आने का कितनी थकावट होती है। सो माइंड दिस थिंग फॉर नेक्स्ट टाइम, जब भी आप अगली बार आएंगे रोडीज के लिए कोलकाता किसी ऑडिशन में जाएं, टाइम देख के जाइएगा, क्योंकि क्या इस टाइम पे आना सही है। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे जल्दी आने का ये फायदा हुआ, मैं तारा सर से मिला हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देख सकते हैं, आज मैं रात को वीडियो अपलोड करूंगा। मेरा यूजर नेम शशिकांत सैम है, मैं आपको ये भाई मेंशन कर देंगे। ओके, कहां के हो, कहां के हो? विराट हो जाए, जैसे विराट हो जाए भाई, हम आ रहे थे, हमारे को किसने कहा, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, भंडारा चल रहा है, तो हम भंडारा के चक्कर में। अच्छा मैं आपको एक और फ्रेंड से बताता हूं, ही वाज इन द रोडीज एक्सट्रीम। हाय ब्रो, कम सो व्हाट्स योर नेम? देवांश। ओके, दैट्स माय YouTube फैमिली। सो एनी टिप्स फॉर रोडीज,
लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये PI तक सिलेक्ट हुए थे, तो इन्होंने मुझे भी बताया इज़ अ रियली नाइस मैन. तो क्या लोग जो आना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्रैक करने के लिए टिप्स बताओ कुछ? जो है जेन्युइनली बताओ यार, जो आपने देखा है, जो अपने नेचुरल आपने किया लाइफ में, जेन्युइनली बताओ तभी आपको जज करेंगे. उल्टा उल्टा बताओगे तो देख लेंगे कि भाई इसने गलत कुछ बोला है, झूठ बोला है, क्योंकि बातों से बस समझ आ जाता है बंदों को. तो उसका मतलब जो हम फॉर्म भरते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यस यस, दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द मेन थिंग. तो GD1 में आपकी बहस वगैरह क्या हुई थी, कुछ आइडिया अगर बता सके लोगों को? याद नहीं, बट बहस ज्यादा हुई थी, कम से कम 10 मिनट बहस चली लगातार, पर उन्होंने कुछ देखा मेरे में तो उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया. PI तक आप गए थे? यस. यू मेट रणवीर एंड एवरीबॉडी, राइट? चलो बेस्ट ऑफ लक बोल दो लोगों, आ जाओ नेक्स्ट टाइम. बेस्ट ऑफ लक. यस. सो गाइस, ये हम हैं इनसाइड द ऑडिटोरियम. यहाँ से आगे GD रूम की तरफ जाएंगे सारे. अब यहाँ देख सकते हैं सब ने फॉर्म्स भर दिए हैं. एंड ये तो मेरे से स्पेशली मिलने आए हैं. हाय, जय सर. जय है हमारे साथ. तो जय मुझे बता रहे थे कि आपने वीडियो देख के कहाँ से आए हैं, बताए. मैं महाराष्ट्र से आया हूँ. ओके. सर का वीडियो देखता हूँ तो बहुत अच्छा मोटिवेट होता हूँ मैं इनसे, और ये बहुत अच्छे इंसान है. अभी मैं देखा हूँ कुछ देर पहले वो कचरा साफ करने वाले जो आए तो उनको पैसे टिप दिए उन्होंने, तो बहुत अच्छे सर है ये. नहीं नहीं यार, चलो थैंक यू. बहुत अच्छा लगा क्योंकि कोई नहीं करता ऐसे. अरे नहीं यार, चलो ये तो आई थिंक इज़ वेरी स्वीट. इतना कुछ नहीं बड़ी चीज़, बट मुझे मिलना है, बहुत अच्छा लगा. मैं चाहता था चैनल पे लोग भी देखें यार. इतनी दूर से महाराष्ट्र, नागपुर से आए आप? जी, नागपुर से स्पेशली आए हैं. तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी. तो एक बार बेस्ट ऑफ लक बोल दो आगे ये रोडीज में आने के लिए सबको. बेस्ट ऑफ लक, आइए सब, ट्राई कीजिए, आप जरूर लगोगे. चलो आओ. तो अब हम आगे लाइन लग चुके हैं, इट्स अराउंड 4 o'clock. तो अब तकरीबन आधे घंटे तक नंबर आ जाएगा. बट मुझे लाइन में एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान मिले, बहुत ही मोटिवेटिंग इंसान मिले, एंड दैट इज़ मिस्टर अंकित. तो मैं अंकित से मिलाता हूँ. मोटिवेशन आपको भी देख के मिलेगी गाइस कि ये देखिए. सो हाय अंकित, कैसे हैं आप बताइए. आप फिजिकली फिट नहीं हैं फिर भी आप रोडीज़ के लिए आए हैं, मुझे अपना मोटिवेशन बताओ यार एक बार. मोटिवेशन मतलब इंस्पिरेशन बनता है लोगों के लिए. हाँ यार, यहाँ से बंदा ठीक होकर आगे बड़े लेवल तक पहुँच सकता है. सो अगर ये चीज़ हो जाती है बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी. तो अभी मैंने बात की उन्होंने, मुझे आप ये बताएं कि अगर आप फिजिकली टास्क होगा तो आप उनको क्या जवाब देंगे? फिजिकली टास्क अभी तो छोटे मोटे कराएंगे. फिजिकल टास्क में जाके होगा जर्नी में, और उसके लिए मेरे पास अभी शायद 1 मिनट है. 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है. तो गाइस ये देखो, ये जज्बा होना चाहिए कि 1 महीने में अगले हम सोचते हैं ठंड है, ये है, वो है, कितने सारे हम बहाने मारते हैं, बट एक्चुअली में जिसको कुछ करना होता है वो करके दिखाता है, राइट? तो सी यू लेटर. सो गाइस, अब मेरे साथ है पुलकित. तो हाय पुलकित, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. हाय हाय. ओके, तो यार पुलकित ने मुझे बताया है ही इज कमिंग टू रोडीज सिंस लास्ट 8 ईयर्स. कितने साल हो गए एक बार आप खुद बताइए. भाई 2012 से आ रहा हूँ. 2012 से आ रहे हैं. तो मुझे ये बताओ कि लोगों को मोटिवेशन कैसे दी जाए. भाई मोटिवेशन कुछ नहीं है, बस अपने दिल में जुनून रखो कि हाँ करना तो करना है. ये कोई जिद नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ये बस पैशन है. मेरे को इतने साल हो गए आते, मैंने कोलकाता ऑडिशन दिए हैं, दिल्ली ऑडिशन दिए हैं, चंडीगढ़ ऑडिशन दिए हैं. 2012 से मैं ऑडिशन दे रहा हूँ चंडीगढ़ से. ओके, 2012 से दे रहे हो? यस, 2012 से दे रहा हूँ, और अब तक अब आज के लिए जर्नी है, आगे भी आ गया हूँ. मतलब इतना इंस्पिरेशन लोगों के लिए बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है यार. तो कुछ टिप देना चाहोगे रोडीज जो आते हैं? बढ़िया, बस दिल से आओ, ट्रू वे से आओ, कोई ऐसा नहीं है कि फेक बताओ. जो है वो दिल में रखो अपने, कुछ भी किसी को वो नहीं है. जो आपके मन में होगा अगर सच्चे तो वो आने चाहे, बोले वाले चाहे तो. जय 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 महादेव. सो गाइस यहाँ से देखो पूरा ग्राउंड मैं आपको दिखाता हूँ. ये पूरे ग्राउंड तक लाइन थी, ये अब खाली हो चुकी है. अब मैं जा रहा हूँ, मेरे वापसी हो रही है. यहाँ से फिर से अब लाइन चल रही है. यू कैन सी द मेनी पीपल. देखो बहुत सारे रोडीज आए हैं यहाँ पर. एंड अभी मतलब टाइम हो रहा है तकरीबन 5 बज गए शाम के, और अभी तक ये लाइन यहाँ तक जा रही है, अभी तक अंदर भी नहीं घुसे. तो आप देख सकते हो रश कितना ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जाके भी तकरीबन 2-2.5 घंटे की लाइन है. मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की. ये आप देखिए अंदर इतनी लंबी, इसके बिल्कुल बैकग्राउंड में 2-2.5 घंटे की लाइन और है. तो आप समझ लीजिए कि आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है. तो बेस्ट ऑफ लक यार इन सबको. मेरा ऑडिशन हो चुका है, तो मेरे साथ है, अपना नाम बताओ. जाहिद हुसैन रियाज. जाहिद हुसैन रियाज. तो रियाज जी क्या हुआ है आपके साथ, मुझे ये बताओ. वो लाइन में लगा था मैंने. 7 कितने बजे लगे थे? 7 में आप ही के साथ. 7 बजे. कितने बजे लगे थे सुबह? 7 बजे. 7 बजे लगे थे, मेरे साथ लगे थे. अच्छा, अब लाइन में लगा ही था, अपने डिसिप्लिन में लगा ही था सब चीज़ का. फिर आगे जाके वो ब्लॉक हो गया. ब्लॉक होने वो जो लाइन थी वो ब्लॉक हो गई.
फिर वो ब्लॉक होने का फिर मैंने देखा कि यहाँ बहुत भीड़ है। अच्छा लाइन के साथ आऊँ। अच्छा फिर साथ आऊँ तो फिर लाइन पीछे लगाओ, फिर जब आप सुनाई दे रहा है कि ऑडिशन नहीं हो पाएगा। तो गाइस अब आपको मैं बता दूं, 5 बज गए हैं, ये पूरी लाइन में लगा था, वहाँ पर कोई लड़ाई हुई, अब 5 बजे हैं, तो नेपाल से आए हैं स्पेशली ऑडिशन देने, और अब इनको कहा जा रहा है कि ऑडिशन बंद हो चुका है। सो बेस्ट ऑफ लक यार, आई होप यार आप जा पाओ अंदर। तो ऑल राइट गाइस, तो मैं वापस लौट चुका हूँ और टाइम हो चुका है 6:30। तो आप सोच सकते हैं 7 बजे मैं गया था और 6 में लगभग 10-11-12 घंटे मुझे लग गए ब्लॉगिंग करते हुए, और काफ़ी मुश्किल था बट बहुत इंस्पायरिंग भी, काफ़ी लोगों से मिला। तो अब आगे की जो टिप्स हैं जो बहुत ज़रूरी वीडियो होगी गाइज, वो आपको देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें मैं पूरा फॉर्म डिस्कस करने वाला हूँ। रोडीज रेवोल्यूशन का इस बार फॉर्म क्या था, क्या क्वेश्चन थे और उनका आंसर कैसे देना, सबसे ज़रूरी बात ये है, और जी रूम में मेरे से क्या पूछा वो भी बताऊँगा। तो अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, और इंस्टाग्राम जाके दी मूविंग शिप पे भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारे सवाल आने वाले हैं मुझे पता है, तो उनके जवाब उन्हीं को मिलेंगे जो मेरा मुझे इतना प्यार देंगे, क्योंकि मैं आपको इतना प्यार दे रहा हूँ तो मुझे आपसे भी बहुत सारा प्यार चाहिए। और स्पेशली थैंक यू, आज रोडीज़ में इतने सारे लोग मुझे मिले, मेरे साथ सेल्फीज ली, वीडियोज़ बनाई, एक यार आसाम से आए थे, इतने MP से मेरे, एक लड़की मुझको मिली कहती छत्तीसगढ़ से आपकी वीडियो देखकर आई हूँ, थैंक यू सो मच, आपके प्यार ने मुझे बहुत ही खुशी दी है, रोडी से ज़्यादा आपके प्यार ने मुझे खुशी दी है, तो थैंक यू सो मच गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो है, जल्दी आ जाएगी 1-2 दिनों में, अभी मतलब मैं बहुत थका हुआ, 10-11 घंटे खड़ा था यार। और आपको ये भी बता दो, काफ़ी लोग खड़े रहे अभी तक ऑडिशन में, लाइन लगी हुई है, सब समझाऊंगा कि क्या है क्या नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सी यू, गुड बाय, टेक केयर, अपनी माँ का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, गुड बाय, चेयर्स।